अस्सलामुअलैकुम क्लास फोर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और दिल लगाकर अपना काम लिख भी रहे होंगे और याद भी करेंगे। सो स्टूडेंट, आपको पता है हमने अपनी ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था। सो क्या नेम था उसका? एम्बेसडर डिस्गाइज। और लास्ट लेक्चर में हमने उसकी पेज नंबर 54 तक की रीडिंग की थी, ठीक है? सो आज हम पेज नंबर 55 की रीडिंग और 56 की करेंगे और आज अपने चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? सो यहाँ पर आपने पेज नंबर 55 पे आज की डेट मेंशन करनी है। सो टुडे इज़ 20-5 and 21, ठीक है? सो लास्ट हमने कहाँ तक रीडिंग की थी कि जो प्रिंस था उसने निशाने पर जो थे वो तीर लगाए, ठीक है? नेक्स्ट है द एरो पास्ड थ्रू द रिंग, जो उसके तीर थे वो उस रिंग के अंदर से तो निकल गए बट डिड नॉट हिट द नाइफ, लेकिन छुरी पर ना लग सके। देन द एम्बेसडर शॉट एन एरो एट द रिंग, फिर जो सफ़ीर था उसने उस रिंग से एरो जो था, तीर जो था, उसको उसका निशाना लगाया। द बो हिज लाइक अ स्नेक एज इट फ्लू, जैसे ही तीर जो था वो कमान से निकला उसमें से हिस की आवाज़ आई। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा स्नेक जब बोलता है तो वो हिस की साउंड देता है, इसी तरीके से जब एरो जो था, जो तीर था, वो कमान में से निकला तो उसके अंदर भी उससे भी ऐसी आवाज़ आई। इट पास थ्रू द रिंग, वो रिंग के अंदर से गुजरा एंड कट इट सेल्फ इन टू टू अगेंस्ट द एज ऑफ द नाइफ, और उसके तीर की क्या हालत होगी? जैसे ही वो रिंग से गुजरा छुरी की वजह से उसके दो हिस्से हो गए। द प्रिंस वाज नाउ श्योर दैट द एम्बेसडर वाज अ मैन, यानी जो शहजादा था उसको यकीन हो गया कि ये जो सफ़ीर है ये एक आदमी है, क्योंकि उसका निशाना जो था एम्बेसडर का वो बिल्कुल ठीक लगा। छुरी पर जाके उसका एरो लगा और एरो के दो पीसीस हो गए, जबकि प्रिंस का एरो जो था वो नाइफ पर नहीं लगा। सो इससे प्रिंस को यकीन हो गया कि जो सफ़ीर है वो क्या है? एक आदमी है, क्योंकि अगर एक औरत होती तो उससे तो इतना परफेक्ट निशाना लग ही नहीं सकता था, ठीक है? इस वजह से प्रिंस को यकीन हो गया कि वो इंसान एक आदमी है। बट जबावा स्टिल डिड नॉट एग्री विद हिम, लेकिन जबावा अभी भी उसके साथ मुत्तफिक नहीं थी, यानी जबावा को अभी भी लग रहा था कि वो एक औरत है। आई शिल नॉट मैरी अ वूमन शी क्राइड, वो चीखी, वो चिल्लाई कि मैं एक औरत के साथ शादी नहीं करूँगी। द एम्बेसडर में शूट एरो जस्ट लाइक अ मैन, बेशक एक सफ़ीर, ये जो सफ़ीर है ये एक आदमी की तरह जो है उसने तीरंदाजी की, बट ही टॉक्स वॉक्स एंड सिट जस्ट लाइक अ वुमन, लेकिन उसका वो उसके बात करने का तरीका, उसके चलने का, उसके बैठने का तरीका जो है वो बिल्कुल एक औरत की तरह का है, ठीक है? ये किसने कहा है? ये जबावा कह रही है, ठीक है? द प्रिंस बिकेम एंग्री, जो शहजादा था वो बहुत गुस्से में आ गया। यू आर बींग सिली ही सेड, उसने कहा तुम बेवकूफ़ बन रही हो या तुम बेवकूफ़ों की तरह बिहेव कर रही हो। आई ऑर्डर यू टू मैरी द एम्बेसडर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इस सफ़ीर के साथ शादी करो। गो प्रिपेयर फॉर योर वेडिंग, जाओ और अपनी शादी की तैयारी करो। जबावा रैम ऑफ इन टीयर्स, जबावा जो थी वो रोती हुई वहाँ से भाग गई। द प्रिंस टोल्ड द एम्बेसडर्स, शहजादे ने सफ़ीर को बताया दैट हिज ब्राइड वुड रेडी सून बी रेडी, कि उसकी दुल्हन जो है वो जल्द ही तैयार हो जाएगी। बट कैटरीना डिसाइडेड टू पुट एन एंड ऑन दिस गेम, तो कैटरीना ने ये सोचा कि अब इस खेल को मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कैटरीना तो एक औरत थी तो वो जबावा से कैसे शादी कर सकती। तो उसने सोचा कि अब ये जो मैंने सारा खेल रचाया ना, अब इसको मुझे बहुत जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। शी इज सेड टू द प्रिंस, उसने शहजादे से कहा बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले लेट अस फाइट ईच अदर, आओ हम दोनों जो हैं वो लड़ाई का मुकाबला करते हैं। लेट अस सी हु इज स्ट्रॉन्गर, देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जो है वो ताकतवर है। ट्रेम्बलिंग एट दिस डिसीजन द प्रिंस सेड, इस फैसले पर वो जो प्रिंस था, वो शहजादा था, वो कांपने लगा, क्योंकि वो जो एम्बेसडर था वो प्रिंस से ज़्यादा हर काम में आगे था, तो उसे लगा कि मैं इससे नहीं लड़ सकता, इसलिए वो कांपने लगा। द प्रिंस सेड, शहजादा ने कहा एम्बेसडर सफ़ीर देर इज़ नो वन हेयर हु इज़ योर मैच, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। ओ डियर रिप्लाइड कैटरीना, इज देर नो वन, कैटरीना ने जवाब दिया ओ प्यारे क्या ऐसा कोई नहीं है। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम स्पोर्ट, मैं तो कोई खेल या कोई मुकाबला करना चाहता हूँ। परहैप्स देयर इज़ अ ब्रेव वॉरियर इन योर डंगन्स हु कुड फाइट मी, लेकिन शायद आपके कैद खाने में ऐसा एक जंगजू है, बहादुर जंगजू है जो मेरे साथ लड़ सके।
क्या स्टूडेंट आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि ट्रीना किसके बारे में बात कर रही थी? वेरी गुड, यहाँ पे वो अपने हस्बैंड स्टेवर के बारे में बात कर रही थी। शाबाश, यानी कि आप लोगों को आइडिया हो गया कि किसके बारे में बात हुई। यस यस देयर इज, सेड द प्रिंस स्माइलिंग। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जी बिल्कुल ऐसा है। एंड रिमेम्बरिंग स्टेवर्स गुडिनोविश, और उसको स्टेवर गुडिनोविश याद आया। ही इमिजिएटली ऑर्डर हिज गार्ड्स टू ब्रिंग स्टेवर फ्रॉम द डंगन्स, उसने जल्दी से अपने वो जो दरबारी होते हैं अपने उनको ऑर्डर दिया कि जाओ स्टेवर को कैद खाने से लेकर आओ। सून स्टेवर गुडिनोविश अराइव, जल्द ही स्टेवर जो था वो आ गया। ही वॉज ऑर्डर टू पुट ऑन अ सूट ऑफ आर्मर, उसे जंगजू का लिबास पहनाया गया, मतलब लड़ाई करते हुए जिनका एक प्रॉपर लिबास होता है ना, आयरन का लोहे से बना हुआ, ठीक है, और सॉर्ड होती है, वो सारा उसको पहनाया गया। एंड अमाउंट ऑफ हॉर्स, और उसको एक घोड़ा दिया गया। व्हेन स्टेवर वाज रेडी, जब स्टेवर जो था वो तैयार हो गया। ही एंड द एम्बेसडर गैलोप्ड इनटू अ नियर बाय फील्ड, सफ़ीर और वो घोड़े पर सवार हुए और उन्होंने पास के खेतों में भागना शुरू कर दिया, यानी कि घोड़े पर सवार होकर। All the nobles went into the watch the great fight. सारे जो शुरफा थे वहाँ पे, अजीम लोग जो थे वो उनकी लड़ाई देखने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक स्टूडेंट हमने पेज नंबर 55 की रीडिंग कर ली है, अब हम पेज नंबर 56 ओपन करते हैं। द एम्बेसडर एंड स्टेवर रोड टूवर्ड्स ईच अदर, एम्बेसडर और जो यानी वो जो सफ़ीर और स्टेवर था उन्होंने एक दूसरे की तरफ जो था वो भागना शुरू कर दिया। एंड देन लेफ्ट फ्रॉम एंड देन लेफ्ट फ्रॉम हॉर्स टू हॉर्स, और फिर अपने घोड़ों के ऊपर से उतर गए। दे थ्रू देयर स्टील क्लब इन एयर, उन्होंने अपने वो जो लोहे का लिबास था वो उतार के हवा में उछाला। एंड देन रोड स्ट्रेट टूवर्ड्स द प्रिंस, और फिर सीधा शहजादे की तरफ रवाना हो गए। द टेरिबल एम्बेसडर ऑफ ग्रीस टुक ऑफ हर हेलमेट, टेरिबल कहते हैं खौफनाक, यानी वो जो ग्रीस का यूनान का खौफनाक सफ़ीर था उसने अपना हेलमेट उतारा। एंड थ्री इट एट द फीट ऑफ द प्रिंस, और शहजादे के पाँव की तरफ फेंक दिया। कैटरीनाज ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर फेल डाउन ओवर हर शोल्डर्स, कैटरीना के खूबसूरत बाल जो थे वो उसके कंधे पर आके गिरे। द नोबल गैस्प इन सरप्राइज, और वो जहाँ वहाँ पर जो सारे शर्फा थे वो हैरानी के आलम में मुब्तला हो गए, यानी वो सब जो थे वो हैरान हो गए। ग्रेट प्रिंस लाफ्ड कैटरीना, कैटरीना हंसी के, अजीम शहजादे आई हैव रेस्क्यूड माई हस्बैंड फ्रॉम योर डंगन्स, मैं तो सिर्फ अपने हस्बैंड को अपने शोहर को आपकी कैद से छुड़ाने आई थी। यू मस्ट एग्री ही वॉज राइट टू बूस्ट ऑफ माई स्किल्स, आप अब मुत्तफिक हो गए होंगे कि उसने मेरी सलाहियतों के बारे में जो भी कहा था वो बिल्कुल ठीक था। नाउ फेयरवेल, अब बहुत अच्छा हुआ। एंड लाफिंग टुगेदर, और इकट्ठे हंसे कैटरीना एंड स्टेवर गुडिनोविश रोड अवे, यानी कि कैटरीना और स्टेवर इकट्ठे हंसे इस बात पे और वो दोनों सवार हुए और चले गए। सो स्टूडेंट हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट नंबर 5 रीडिंग। सो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा अबाउट कैटरीना एंड स्टेवर, कि स्टेवर ने कैटरीना के बारे में उसकी स्किल्स के बारे में जो भी कहा था वो बिल्कुल ठीक था। सो स्टूडेंट इस चैप्टर से हमें ये लेसन सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो एक आदमी हो चाहे वो एक औरत हो, ठीक है। और देखिए हर तरह की फ़ाइट इस लेक्चर में किसने सीखी, जीती एक औरत ने, ठीक है। सो आई होप अब से हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि हो सकता है जिसका हम मजाक उड़ाएं वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट हो, ठीक है। आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ज़रूर एक दो दफ़ा रीड करें ताकि आपको उनकी प्रोनंसिएशन जो है वो आ जाए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका बुक वर्क करेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।